तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है संडे और आज है मेरा वीक ऑफ। आज मैं फिर से हूँ मनी भाई के साथ। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा मनी भाई को। तो आज का प्लान ये है, आज हम सबसे पहले जा रहे हैं महिंद्रा में गाड़ी की अलाइनमेंट कराने। अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ी गाड़ी पूरी लेफ्ट राइट हो रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। और उसके बाद हमारे एक दो प्लान्स और हैं, हमने एक दो जगह जाना है। मनी भाई की ड्यूटी लगी हुई है हेल्थ कैंप पे, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद हम एक बहुत ही खास जगह जाएंगे, एक खास बंदे से मिलने वाले हैं, हम आपको भी मिलाएंगे। और बहुत अच्छा इवेंट है जहाँ आपको पहुँच के ही बताएंगे वहाँ पे भी क्या चीज़ है, और आगे कॉन्टेक्स्ट भी देंगे क्या हम किससे मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो बने रहिए व्लॉग में और मौज लीजिए। और गाइस, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सुबह सुबह निकलते ही हमारे साथ एक कांड हो गया। हमारी गाड़ी में कोई इतना मोटा कील घुसा गया। सबसे पहले घर से निकलते ही हमें पहले पंचर लगवाना पड़ा, और आई डोंट नो अब ये डेलिब्रेटली किया गया था या फिर कहीं पे, मतलब वो काफ़ी मोटा पेस था जो हमने देखा, इतना इजीली मतलब नहीं घुस सकता वो। पे कहाँ मिलते हैं वो चौड़े वाले इतने। तो सबसे पहले हमने वो पंचर लगवाया। अब हम जा रहे हैं महिंद्रा में अलाइनमेंट कराने, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, देखते हैं बाकी होती भी है नहीं होती। हाँ, मना कर दें, गाड़ी की लाइनअप हो जाता है तो फिर मना कर देते हैं। हाँ, नहीं तो फिर हम दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे। और सस्पेंस क्या ही रखना है आपको, मैं बता देता हूँ किससे मिलने वाले हैं। हम मिलने वाले हैं गौतम गंभीर जी से, गौतम भैया हमारे, उनसे हम मिलेंगे। वो एक सीरीज कराते हैं जिसका नाम है ईडीपीएल, ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग आज उसका फाइनल मैच है, वो हम आपको दिखाएंगे। और उनके साथ ही चलेंगे हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, उनके साथ उनकी गाड़ी में जाएंगे, उनके काफिले के साथ जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप भी एंजॉय करना। तो यहाँ पे जो हमारे जितिन निश्चल जी हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष करोलबाग जिला के, उन्होंने यहाँ पे पटेल नगर में, ईस्ट पटेल नगर में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। और ये ऐसे हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी। और किसी ने अगर करवाना हो इन फ्यूचर तो निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें क्या क्या कवर्ड है, नेल्स, हेयर, नेल्स, हेयर, और फुल बॉडी चेकअप है, फुल बॉडी चेकअप। और इन फ्यूचर किसी ने अगर कराना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ दूंगा और वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम जा रहे हैं श्री गौतम गंभीर जी के ऑफिस के वहाँ पे, और आज है ईडीपीएल का फाइनल मैच। तो देखते हैं कौन सा स्टेडियम बताया था, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच है। तो पहले हम उनके ऑफिस जाएंगे, वहाँ से हम उनके साथ ही जाएंगे स्टेडियम तक। बाकी देखते हैं, अगर वो स्टेडियम पहुंच चुके होंगे तो फिर हम वहीं जाएंगे, जैसे भी सीन होगा आगे चल के आपको दिखाएंगे और बताते रहेंगे। और कुछ बताना भाई, बस आप बताओ आपको क्या पता है ईडीपीएल के बारे में। हाँ, अगर ईडीपीएल के बारे में कोई जानता है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि इतना फेमस नहीं है। बाकी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सोशल कॉज के लिए जो श्री गौतम गंभीर जी करवा रहे हैं, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्रिकेट या फिर ट्रेनिंग, तो गौतम गंभीर जी उनकी पूरी स्पॉन्सरशिप करवाते हैं और हेल्प करते हैं, जब तक जिनको शौक है, जो अच्छे जेन्युइन खेलना चाहते हैं बच्चे। हाँ, और जिनके पास सोर्सेज नहीं है, हाँ टैलेंट है, सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो पैसे की वजह से रुकेंगे नहीं। हाँ, उनको वो आगे लेके जाते हैं। हाँ, बीसीसीआई में उनकी रिकमेंडेशन जाती है। हाँ, आगे जाके वो फिर प्रॉपर उनकी हेल्प की जाती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट्स में नंबर छोड़ दूंगा। गौतम गंभीर फाउंडेशन के मेंबर है मनी भाई, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ दूंगा। कोविड के अंदर पूरी हेल्प गौतम गंभीर जी ने करी है, हर चीज में, टेस्टिंग में, दवाइयों में, तो बहुत वो करते आए हैं, बहुत पहले से ही सोसाइटी के लिए बहुत किया है उन्होंने, सोशल कॉज के लिए बहुत किया है उन्होंने। गंभीर फाउंडेशन है इनकी पूरी, बिल्कुल। कुछ भी हेल्प चाहिए हो मतलब इस रिगार्डिंग, तो आप मनी भाई को रीच आउट कर सकते हो, मेरे को रीच आउट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। प्लस मास्क वगैरह जो बांटे हैं
बॉडी किट बांटी है, बॉडी मास्क, बॉडी किट, ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स और तुम्हारा ऑक्सीजन तक उन्होंने डलवा के दी है सिलेंडर्स में, जो कि जब हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, तो तब उन्होंने भारत इसी इनिशिएटिव से कि सबको ऑक्सीजन जाए, उन्होंने पर्सनल अरेंजमेंट किए थे सारे, गौतम गंभीर जी ने। बस यही है कि ऐसे ही चलता रहना चाहिए। और एक रुपए की थाली तो आपको पता ही है, एक रुपए की थाली का भी इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, अब तो तीन खुल गई हैं, एक लाइब्रेरी खुल गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी में बैठो, किताबें हैं, आप किताबें पढ़ो। बिल्कुल। और ये जो थाली का कंसेप्ट है, लोग कहेंगे कि फ्री क्यों नहीं खिलाते, एक रुपया भी क्यों ले रहे हैं, तो उस एक रुपए की वैल्यू में, मतलब जब कोई चीज़ की कॉस्ट होती है तो उसकी वैल्यू होती है, फ्री में बांटो तो फिर उसकी वैल्यू नहीं की जाती। तो इसलिए एक रुपए में आपको न्यूट्रिशियस, हेल्दीएस्ट, जितनी वो ट्राई, मतलब जितनी कोशिश होती है उतना हेल्दी आपको अच्छा खाना खिलाया जाता है उसके, देने की कोशिश की गई। लोगों को ये नहीं लगता कि फ्री खिला रहे हैं तो गलत ही कुछ दे रहे होंगे, ऐसे ही होगा। चलो बाकी चलते हैं स्टेडियम और आपको दिखाते हैं EDPL का फाइनल मैच, और करो एंजॉय आप भी, और मिलते हैं गौतम गंभीर जी से। ये है ईस्ट दिल्ली की मेट्रो, इतनी नीचे से पहली बार देख रहा हूँ मैं, इतनी नीचे से तो मेट्रो जा रही है। पहुंच चुके हैं EDPL के फाइनल मैच के लिए, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फुल प्रिपरेशन के साथ देखते हैं मैच चल के अंदर। किनका कैप्टन? आर्मी टीम का। इनका कैप्टन ये बैठा है, तुम ही तो कैप्टन, नाम थोड़ी कैप्टन। आर्मी टीम खेलने आई है? नहीं। इनका कैप्टन पूछ रहे हो? हाँ। आर्मी वालों का पूछो ना इनसे, ये सारे कैप्टन है बेटा। बैच हो रहा है अंदर? हाँ। देखना नहीं? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा? 5 बजे स्टार्ट होगा। 5 बजे स्टार्ट होगा। मिल रहे हैं? नहीं। पॉपकॉर्न नहीं मिलते तुम्हें यहाँ पे? अरे अंदर। ये बताओ आज किसका मैच है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? आज पिंक वाली और नीली वाली टीम का मैच है। अच्छा, EDPL का फाइनल है ना आज? हाँ। कौन कौन सा प्लेयर है, कोई नाम पता है? नाम? हाँ, किसी भी प्लेयर का नहीं, एक भी नाम नहीं पता, मतलब जो बड़े प्लेयर है। हाँ। बड़े नहीं, मतलब EDPL फाइनल में आज कौन कौन खेल रहा है उनका नहीं पता। वैसे जैसे वो बड़े प्लेयर होते हैं उनका नाम पता है, MS धोनी, विराट कोहली, इन सब का नाम पता है। और ये EDPL कौन करा रहा है? EDPL मुझे नहीं पता। गौतम गंभीर जी, ईस्ट दिल्ली प्रीमियर। गौतम गंभीर जी, उनका तो नाम सुना होगा, सांसद तुम्हारे। हाँ। जो इंडियन टीम में खेलते थे। हाँ। वर्ल्ड फेमस। हाँ। ये वो करवा रहे हैं मैच। अच्छा, तुम भी खेल सकते हो इसके अंदर, शौक है तुम्हारा, तुम भी खेलो। ऐसे कुछ जा रहा है हमारा कॉन्वॉय, ये रही श्री गौतम गंभीर जी की गाड़ी पीछे हम, तो अब मैच हम देखने जा रहे हैं, फाइनल मैच शुरू हो चुका है, 2 विकेट छूट चुकी हैं, बाकी लाइव स्कोर हम आपको वहीं जाके देते हैं। तो पहुंच गए हम स्टेडियम के बाहर, देख लो कुछ इस तरह काफिला जा रहा है।
तो सुबह हम वहाँ ना ले गए थे स्टेडियम का एक बार, अभी फिर से दिखाते हैं। पूरा फुल हो चुका है, हमारे पास वीडियो आई थी, पूरा स्टेडियम भर चुका है, मैच चल रहा है। उतरो उतरो, आप जाओ साथ जाओ। चल रंजीत हाथ लगवा। तो देख लो भाई फैन फॉलोइंग, हम तो इनके साथ ही बैठे थे, अभी मिल के आए हैं। पूरा देखो लोग कैसे पागल हैं, होंगे भी क्यों नहीं, अगले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और आपको बताइए फैन फॉलोइंग गौतम गंभीर जी की लगी गाड़ी। तो ये फाइनल मैच चल रहा है जंगपुरा वर्सेस पटपटगंज का। 109 रन मारे हैं जंगपुरा ने 17 ओवर में, और ये आउट हो चुका है एक ओवर। Thank you.
तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। मैच हम पूरा नहीं देख पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और सुबह से हम फिर घूम भी रहे हैं, हमें घर भी जाना टाइम से क्योंकि कल फिर मेरी शिफ्ट भी है। और उसके अलावा बाकी हम बचा हुआ मैच देखेंगे घर पे टीवी पे, एबीपी न्यूज़ पे। एबीपी पे लाइव आ रहा है मैच, ज़रूर देखें सारे। और बहुत भीड़ थी भाई, 10,000 बंदा था कम से कम। और गौतम भैया के आते ही तो सारे देखा कैसे पागल हो गए। व्लॉग में आपने लिया होगा, लिया फैन फॉलोइंग उनकी देखी आपने। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, प्लस ये सेलिब्रिटी है इतने बड़े, इनसे मिलने के लिए लोग कैसे लाइनों में, मतलब धक्का मुक्की हो रही थी एक तरीके से। और हम तो साथ बैठे हुए थे उनके ऑफिस में, तो साथ ही थे, पर मुश्किल है उनके लिए भी जाना आना इधर उधर, तो सेफ्टी से ही जाना पड़ता है थोड़ा, बंदे रोकने की कोशिश करते हैं। पर चलो आप लोग भी देखना जरूर मैच, और अगले सीजन में EDPL के आना जरूर। और EDPL के बारे थोड़ी अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ। ईस्ट दिल्ली में ज्यादा है, जो भी ईस्ट दिल्ली की लीग है, ईस्ट दिल्ली की लीग है, जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे एरियाज हैं उन सबका। गांधीनगर की अलग टीम है, टीम्स बनी हुई है, टीम्स बनी हुई है अलग अलग, पड़गंज की टीम बनी हुई है, तो ऐसे तो वहाँ पे ज्यादा फेमस है, और जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनको पता होगा। बाकी अगर इन फ्यूचर आप इस लीग का पार्ट बनना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ दूंगा। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, और विनिंग टीम को सैलरियो मिल रही है, जो सेमी जो अभी टीम हारेगी उसको, क्योंकि ये फाइनल्स है तो उनको स्कूटी मिलेगी उसके टीम के कैप्टन सब प्लेयर, को सब प्लेयर को कह रहे थे नहीं कैप्टन को मिलेगी, सब प्लेयर को पैसे मिलेंगे और ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह तो मिलेगी, और जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इंडियन क्रिकेट टीम तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्योंकि गौतम भैया है। अगर पैसे भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, और विनर जो एक बंदा जो कैप्टन है विन करेगा, अगर जो बेस्ट प्लेयर होगा उसको गाड़ी मिलेगी, वो जजेस बैठे हुए हैं वो जज करेंगे, उनको गाड़ी मिल सकती है, स्कूटी मिल सकती है, तो ये सीरियस एक कितना सीरियस एक इवेंट है, ये बहुत अच्छा इवेंट था। आपने देखा कितना और बड़ा सोशल कॉज है, सोशल कॉज है सारे। गौतम गंभीर जी अपने पॉकेट से इतना पैसा लगा के पूरी प्रिपरेशन, और किसी से लिया थोड़ी होगा, ऑब्वियसली अपना पैसा लगा के पूरी फाउंडेशन चला रहे हो, हार्ड अर्न मनी यूज करके प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आप भी प्रमोट करो इस लीग को, ताकि जो वो सोशल कॉज के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं वो अच्छी जगह यूज़ हो सके, छोटे लेवल से प्लेयर उठ के कुछ आगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कुछ कर पाएं। ठीक है, बाकी जो भी होगा, वैसे आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, इसके बाद मिलेंगे किसी और वीडियो में।